वेलकम फ्रेंड्स टू फियर्स ऑफ एडम होम अलोन। इसका फुल गेम प्ले वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में मैं फियर ऑफ एडम होम अलोन के सारे जंप स्केयर्स दिखाऊंगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है जब हम रात के 8 बजे उठते हैं, और जैसे ही हम उठते हैं हम अपने रूम को देखते हैं और हमें भूख लगी होती है, तो हम नीचे जा रहे होते हैं। तभी अच्छा सडनली हमें हमारे मॉम का मैसेज आता है, इसमें लिखा होता है कि फ्रिज में हमारे लिए डिनर के लिए खाना रेडी है। इसी दौरान जब हम पहली बार अपने पेरेंट्स के रूम में जाते हैं तब हम रूम बहुत अंधेरा होता है, और जब हम विंडो के पास जाते हैं तो हमें वो थीफ ईजिली दिखाई देता है कि वो हमारे घर को देख रहा होता है, और सडनली उसने हमको देख के वो वहाँ से चला जाता है। तो ये था फर्स्ट टाइम जब हम थीफ को देखते हैं। सेकेंड टाइम जब हम अपने खाना खा रहे होते हैं उसी टाइम हम देखते हैं कि स्टेयर्स पे हमें उस थीफ के फुट स्टेप्स दिख रहे होते हैं क्लियरली, कि मतलब कि हमारे घर में कोई थीफ एंटर कर चुका होता है। लेकिन हमारे कैरेक्टर को पता नहीं होता क्योंकि वो टीवी देखने में इतना बिजी होता है कि वो ये पार्ट नोटिस नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, जब हम अपना पानी पीने के लिए रात को 1:30 को जब जैसे पानी पी रहे होते हैं तो हमारे घर की सारी लाइट्स ऑफ होती है, तो हम यहाँ वहाँ देखते हैं, फिर एक दो बार हम क्राउच करके देखते हैं कि घर के बाहर कोई है कि नहीं, क्योंकि आसपास बहुत अंधेरा होता है। इसी दौरान हमें हमारे टेलीविजन से आवाज़ आ रही होती है कि सिग्नल के इशू के कारण इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है और नो सिग्नल का दिखाई देता है। तब एक्चुअली जो थीफ होता है वो हमारे घर के फ्रंट डोर के बाहर ही होता है। इस सीन में आप देख सकते हो कि सडनली वो हमें जंप स्केयर दे रहा होता है, तो कैसा होता है जंप स्केयर से। नेक्स्ट, जब हमारी मॉम फुट्स इमेज सेंड करती है कि कोई अननोन पर्सन हमारे फ्रंट डोर के बाहर आता है और हम किचन के विंडो के थ्रू देखते हैं कि वो थीफ है, और इसमें अगर हम ये सोचे कि क्या करें कि ऊपर जाए या फिर नहीं, और हम सडनली ऐसा सोचते हैं, तो इस सीन में अगर हम वो अपना फ्रंट डोर ओपन करते हैं और थीफ हमें कैसा जंप स्केयर दे रहा होता है वो इस सीन में आप देख सकते हैं। और ये लास्ट टाइम है जब जो थीफ होता है वो हमारे पेरेंट्स के बेडरूम में विंडो तोड़ के एंटर कर चुका होता है, और हमें पता नहीं कि हम नीचे जाए कि नहीं जाए। तब सडनली हमारे जो नेबर होते हैं मिस पॉला, वो आके डोरबेल बजाती है, जो हमें हमारे मॉम मैसेज करके भी बताती है कि हमारे नेबर है पॉला है, तो कुछ भी टेंशन लेने के बिना है, हमें ओपन करना चाहिए हमारा फ्रंट डोर, जो हमें हमारे मॉम मैसेज भी करती है। तो हाँ, अगर हम फ्रंट डोर के पास जाके डोर ओपन करने के लिए सोचेंगे तो हम स्टेयर्स के पास जाते हैं, तभी उस थीफ सडनली हमारे पेरेंट्स के बेडरूम का डोर ओपन करता है और हमें उसकी शेडो क्लियरली दिखती है कि वो थीफ ऑलरेडी वहीं पे खड़ा है। तो अगर इस सीन में अगर वो हमें जंप स्केयर देगा तो वो जंप स्केयर कैसा होगा वो इस सीन में आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।